होते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है। लगता है जैसे अभी कल की ही बात हो। राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर का युवा संगीत की दुनिया में पैर पसारने निकला था। संगीत के प्रति दीवानगी ऐसी कि दिन रात मेहनत कर कंपटीशन को खुद की जीत में बदल डाला, मगर बदकिस्मती कि आज वो आवाज गुम हो गई, सुरों का सम्राट खो गया। संदीप हेपेटाइटिस बी बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा था। रविवार सुबह संदीप ने आखिरी सांस ली। आज सुबह जो ये दुख भरी घटना सुनने को मिली, उससे बीकानेर में एक बहुत बड़ा आघात संगीत के क्षेत्र में हुआ है। बीकानेर का एक चहेता सितारा जो संगीत की दुनिया में नया उभरा था, खो दिया बीकानेर ने। परमात्मा जैसे यहाँ की जनता को वो प्यारा था, वैसे हो सकता है परमात्मा को भी वो प्यारा हो। वो शागिर्द था ही नहीं, मेरा बच्चा था, मैंने मेरे एक बच्चा खो दिया। संदीप के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। रह रहकर संदीप की याद उनके हाथों को कपकपा जाती है और आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, तो उनके दोस्त भी गायक यार के दुनिया से जाने पर गमगीन हैं। संदीप आचार्य एक अच्छा इंसान था और हर युवा के चहेता दिल था, क्योंकि ये दुर्घटना हुई तो हमें भी बहुत बड़ा तड़फना पड़ा। इसलिए 29 साल के संदीप ने 2006 में इंडियन आइडल 2 का खिताब जीता था और उसके बाद उनका म्यूजिकल एल्बम आया जिसके गाने काफी लोकप्रिय हुए। हाल ही में 2 फरवरी को वो सलमान खान के साथ स्टेज शो का हिस्सा बनने वाले थे। संदीप की याद में पूरा बीकानेर गम में डूबा हुआ है। बीकानेर से श्री गोपाल व्यास के साथ तुहिना चौबे, जानो दुनिया।